हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न पकौड़ा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आइए देखते हैं कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने लिया है यहाँ पर 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 मुट्ठी भरकर लिया है चॉप्ड करके हरा धनिया, उसके अलावा 4 टेबलस्पून लिया है बेसन, ये नॉर्मल बेसन है, भुना हुआ नहीं है। इसके अलावा है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ की अनियन को बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं इसे बारीक चॉप कर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच नमक लिया है। इसके अलावा 1 छोटी मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। और हमने यहाँ पर लिया है स्वीट कॉर्न, तो ये 1/2 कप स्वीट कॉर्न है और ये 1/4 कप है। अब ये जो 1/2 कप कॉर्न है इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में बिना पानी के पीस लेंगे। स्वीट कॉर्न को हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ये देखिए इस तरीके की होनी चाहिए, थिक होना चाहिए, इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे जो अभी मैंने आपको बताए। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करते समय भी हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये 1/4 कप स्वीट कॉर्न जो हमने अलग से रखे थे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा पकौड़े का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। 1 कढ़ाई में हमने पहले ही तेल गरम करने रख दिया था, तो अब तेल जो है अच्छे से गरम हो गया है, तो हम इसमें पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। रेडी हमारा कॉर्न पकौड़ा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।